हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो फाइनली आज भूतनाथ और निमतला मोड़ में एक फेमस सैंडविच दुकान में आए हुए हैं, ये चाचा के पास में। और ये चाचा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब सैंडविच बनाते हैं। तो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको ये चाचा कैसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल के बनाते हैं सैंडविच। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले चाचा ने प्याज काट रखा है पहले से, और अभी कैप्सिकम काट रहे हैं, और उसके बाद टमाटर को काटेंगे और इसे छोटा छोटा टुकड़े में भी बांट देंगे थोड़ी देर में। चाचा ने दो तीन और सैंडविच चढ़ा रखा है, अब इसे छोटा छोटा काट लेते हैं पहले। ये बहुत ही टेस्टी होने वाला है। अब इसे छोटे से बाटी में डाल देते हैं, उसके बाद बेबी कॉर्न को, स्वीट कॉर्न को डाल देंगे अच्छे से, और उसमें थोड़ा सा 4-5 चम्मच मेयोनीज, वाओ, और इसे अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। अभी मसाला थोड़ा डाल देना पड़ेगा, ये थोड़ा सीक्रेट है। सो नींबू भी थोड़ा इसमें पड़ जाता है। इसे अच्छे से अब मिक्स करने के बाद डाला जाएगा ब्रेड पे, और ये नॉर्मल ब्रेड नहीं है, मिल्क ब्रेड है, और इसमें अच्छे से बटर लगाने के बाद इसमें सारा कुछ डाल दिया जाएगा। देख सकते हैं आप लोग ये कैसे रोस्ट हो रहा है इसमें, बटर लगाने के बाद तो इसका कलर और भी झकास हो जा रहा है। वाओ, वेरी नाइस। एक्चुअली हम लोगों ने चाचा को वीडियो बना रहा था, तो इसलिए चाचा ने कुछ ज्यादा ही बटर लगा दिया है, पर कोई नहीं, बहुत ही टेस्टी होता है। और इसे डालने के बाद ये थोड़ा मेयोनीज इसमें डाल दिया जाएगा, और साथ ही साथ थोड़ा चीज, गर्मी आ गया है इसलिए चीज स्टिक से खुल नहीं रहा है, पर कोई नहीं, सब मिल हो जाएगा उसमें एक साथ। सब करने के बाद एक के ऊपर अब ब्रेड ये सैंडविच बन चुका है, और इसे डालेंगे स्टोव के ऊपर। डाल चुका है, बनने के बाद ऐसे ही अब इसे खोला जाएगा। साउंड सुन सकते हैं आप लोग, ये काफी क्रंची, काफी स्पाइसी होने वाला है। सो लगभग बनके तैयार हो चुका है, इसमें बटर डालने के बाद वाओ, मेरे को देख के मुंह में पानी आ जा रहा है, रुका नहीं जाता इसे। सो फाइनली सैंडविच हमारा बनके तैयार हो चुका है, अब बारी है इसे उतारने की और इसे काटने की। चाचा ने सच में कुछ ज्यादा ही बटर डाल दिया है इसमें, और जितना ज्यादा बटर जाएगा उतना ज्यादा टेस्ट बढ़ेगा। बन चुका है, बन के तैयार हो चुका है सैंडविच हमारा, अब इसे नीचे उतारा जाएगा और इसे काटा जाएगा 4 टुकड़ों में। वो काटने के पहले बटर लगा लेते हैं थोड़ा। ओके, सो गाइस मैं बता देता हूँ, इसका प्राइस सिर्फ 60 रुपीज है, और काफी टेस्टी है ये, और इसके साथ में आप लोगों को थोड़ा सेव भुजिया भी दिया जाएगा, और मैंने ये पार्सल करवाया था तो इसलिए इसमें मैं नहीं खा सकता सेव भुजिया। और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर।